क्वेश्चन है सर, अगर बीएड विच प्राइवेट कॉलेज तो करते हाँ तो कोई उन्हें क्योंकि उन्हें विच फीस घट होंगी है, इस नोट कर लीए कि फीस की गवर्नमेंट विच घट होंगी है, सॉरी प्राइवेट विच घट होंगी है, तो कोई चक्कर तो नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा जरूरी है या प्राइवेट कॉलेज नाल ही चल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट्स लिए ये लाहेवंद हो सकता है, इसलिए कंपैरिजन कर लेने हाँ प्राइवेट ते गवर्नमेंट कॉलेज का। मेरे ख्याल विच इहदे विच एडिड कॉलेज भी शामिल कर लेने चाहिए हैं। मैं इत्थे एडिड लिख लिया है, एडिड कॉलेज वो होंगे जिन्हां नूं 75% ग्रांट जो है गवर्नमेंट दिंदी है, 25% जो है उसकी मैनेजमेंट अपने को सैलरीज या जो खर्चे दिंदी है। गवर्नमेंट वो होंगी है जिहड़ी 100% गवर्नमेंट ही खर्चा दे रही है, प्राइवेट वो होंगी है जिसका 100% खर्चा प्राइवेट चलती है। सो इन्होंने अपने खर्चे कढ़ने होंगे, लॉजिक ये बनता है, लेकिन रियालिटी प्रैक्टिकल जो फर्क हैं थोड़े सामने रखने लगा हाँ। सब तो पहला फीस का है कि फीस गवर्नमेंट की सब तो घट होंगी है, मनी जा सकती है। जेकर हूँ भी ऑन एन एवरेज मैं किसी विशेष कॉलेज की गवर्नमेंट कॉलेज की फीस नहीं दस रहा, क्योंकि एक कैटेगरी रख के मैं इतने फीस 40,000 जो दसन लगा सब 40,000 नहीं होएगी, तुसी लगभग 40 to 50,000 दे करीब 10,000 समिस्टर का फीस का खर्चा पक्का है गवर्नमेंट कॉलेज का। उस तो बाद जो यूनिवर्सिटी फीस है, रिटर्न है जांदियां तुहाडियां, ये 2 साल दियां लगभग 14,000 दे करीब 15,000 दे करीब है ना। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी केस टू केस वेरी कर सकती है, 16,000 भी हो सकती है, 13,000 भी रह सकती है। सो मैं मोटा मोटा दस रहा हाँ कि गवर्नमेंट कॉलेज 50,000 2 सालों तुहाडे को ले लेगा फीस लगभग। कई गवर्नमेंट कॉलेज इस तो अगे भी जाएंगे, कई गवर्नमेंट कॉलेज 40 ते भी रह सकते हैं। एडिड की जी 75% जिन्होंने ग्रांट मिलती है उन्होंने तुसी फीस लगभग 1,00,000 लैके चलो। ओके, ये जी यूनिवर्सिटी फीस है वो थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, मैं मोटा मोटा अंदाजा दस रहा हाँ, वेरीफाई करके डिफरेंट वीडियो तुम्हें बना देंगे हाँ। प्राइवेट की रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि तुम्हें प्राइवेट लोएसट तक भी मिल जाएंगे। इदा के कॉलेज जोड़े रिमोट्स ने भरते नहीं ने, टीचर भी उत्थे है नहीं है, मतलब क्राइटीरियज फुलफिल नहीं करते, कॉलेज सारे चल रहे हैं, मतलब 3 चीज़ों तो अप्रूवल चाहिए है, NCET तो सब को है जी लिस्ट यूनिवर्सिटी ने जारी की है, उस तो बाद क्वालिफाइड टीचर वो गल अगे जाके करता हाँ, गवर्नमेंट तो प्रवानगी हाँ जी वो इन्हों को सारे को है। नंबर 3 है कि यूनिवर्सिटी नाल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ना एफिलेटेड होवे। सो इन्हां दे बावजूद भी फीस का बहुत फर्क है, जिहड़े क्वालिटी वाले प्राइवेट स्कूल हैं वो एडिड दे बराबर आ जाते हैं, इत्थे इन्हां नूं इन्हां दे बराबर रख्या जा सकता है, मतलब 1,00,000 दे करीब उन्हां दी फीस हुंदी है। सो प्राइवेट वाले जो एजेंट सिस्टम चल रहा है कि एजेंटा के जरिए हुंदी है वो फीस जिहड़ी है उत्थे बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा है, क्यों? क्योंकि एजेंट बल्क विच बच्चे इकट्ठे करके देंदे हैं, ये सचमुच त्रासदी है जो चल रही है। सो प्राइवेट की फीस मैं कोई भी फिक्स तुहानू नहीं दस सकदा, यह बारगेनिंग है, प्योर बारगेनिंग है। जो ऑन एवरेज लैके चलना हो फेडरेशन या इन्हां दी यूनियन जो डिसाइड करती है वो लगभग 80,000 के करीब कर लेंदी है, बाकी डिपेंड करता है, ये मैनेजमेंट कोटे की फीस नहीं है, बाकी डिपेंड करता है तुहाडा सबजैक्ट कॉम्बीनेशन किहड़ा है, तुहाडे मैरिट लिस्ट चो किन्ने मार्क्स, कुछ इदां दीआं चीज़ां जे उत्थे 50 हाँ उत्थे जिहड़ियां सीट्स नंबर ऑफ सीट्स किन्नियां ने, एडिड कॉलेजां च लगभग 100 दे करीब है, हुशियारपुर चलो 300 सीटां ने है ना, कई कॉलेजां च 200 भी ने, लेकिन प्राइवेट कॉलेजां विच दी वी रेंज 100 नॉर्मली हुंदी है। सो किन्ने फैक्टर ने फीस नूं निर्धारित करन वाले, लेकिन इस तो तुसी एक मोटा जिहा अंदाजा लगा के चल सकते हो। इत्थे तुहानू ये महंगे लग रहे ने, ये सस्ते लग रहे ने, लेकिन मैं कहना इन्हां दोनों नूं बराबर लैके चलो, तुहाडा एरिया किहड़ा है उस ते फीस दा बहुत वड्डा फैक्टर होएगा। हुण दूसरा है कि क्लासेस नैचुरली है ज़्यादा करप्ट जिहड़े ने कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज ने, कारण यह है कि क्लासेस रेगुलरली लगदियां नहीं हैं। मैं इत्थे टीचर एक पॉइंट बनाया है, क्वालिफाइड टीचर गवर्नमेंट को पक्की गल है होणगे, ठीक है,
एडेड को भी होंगे, प्राइवेट कॉलेजों को क्वालिफाइड टीचर नहीं होंगे, इतने स्टूडेंट्स से टीचर मिलके थोड़ा जा अपनी सांझ नाल उसका फायदा उठा लेंदे हैं। नैचुरली है टीचर घट है, क्लासा घट है, तो टेंडेंसी घट जाती है। प्राइवेट कॉलेजों विच क्लासा ये नहीं है कि नहीं लगदियाँ, लेकिन नंबर ऑफ परसेंटेज बच्चों की बहुत ज़्यादा घट है रिलेटिवली जे कंपेयर करिए गवर्नमेंट तो ये हूँ। क्लासेज इतने गवर्नमेंट कॉलेज अजिहे भी ने, फॉर एग्जाम्पल चलो किसी गवर्नमेंट कॉलेज का नाम नहीं लेना, उन्होंने क्राइटीरिया 75% अटेंडेंस का रखना ही रखना है, वो उन्होंने उन्होंने जॉब नहीं जानी, उन्होंने कुछ नुकसान नहीं होना। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट नॉर्म्स नू अप्लाई करते हैं। कोई टीचर अपने पद्धर ते रिलैक्सेशन करता है इदा दी गल्ला मैं इत्थे नहीं करांगा, पॉसिबिलिटी है। सो 70-75% तुहानू लैक्चर लाने ही पैणगे, ये गवर्नमेंट कॉलेज की टेंडेंसी है। इस तरह एडेड विच दा हाल जिहड़ा इन कॉलेज ने कल्चर इन्हों का खराब कर दिता है। नैचुरली है कि इत्थे भी लगाने पैंदे ने, डिपेंड करता है, पर इहदे नालों थोड़ा जिहा रिलैक्स डाउन अटेंडेंस विच ये हो सकते ने। ठीक, वो ये डिपेंड करेगा कि कितनियां सीटा भर दिया हैं, कि लोकेशन है, लोकेशन बहुत मैटर करती है। जो लोकेशन अच्छी है सीटा जल्दी भर रही हैं, तो इतने भी ये वांगू 75% क्वालिटी वाले जोड़े एडिड कॉलेज ने वो पूरा लगाएंगे। सो रेगुलर क्लासेस प्राइवेट विच घट लगदियां हैं, ये नहीं है कि प्राइवेट विच क्लासा नहीं लगदियां, लगदियां हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट होंदे ने। दूसरी गल सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन सब तो घट गवर्नमेंट कॉलेज विच होंगे। ऑड जिहड़े ऑड सब्जेक्ट ने गवर्नमेंट कॉलेज विच तुहानूं नहीं मिलणगे। फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, किसी कॉलेज हो भी सकते हैं, म्यूजिक है, होम साइंस है, पोलिटिकल साइंस है, जोग्राफी है, हिस्ट्री है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है, इस तरह के जिहड़े कॉमर्स है, काफ़ी नंबर ऑफ कॉम्बीनेशन बनते हैं। जे इत्थे मेरे को पए हैं तो मैं तुहानूं दिखा भी दिना हाँ, इन्हां दे विच्चों हो सकता है इकनोमिक्स ना होवे गवर्नमेंट कॉलेज विच, ये नहीं है, जिहड़े कॉलेज विच तुसी जाना है उत्थे तुसी देखना है। सो ये कॉम्बीनेशन इहदे विच्चों होर फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स है ना, ये वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एंड लैंग्वेज सारे में होंगी, सोशियोलॉजी, ये गवर्नमेंट कॉलेजों में रिलेटिवली नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई उत्थे तुहाडी सिद्धी ना बन जाती है जो तुहानूं ये मिलने ही नहीं हैं। तो बाकी रही गल टीचर्स की, ये हो चुकी है वर्कलोड गवर्नमेंट कॉलेज करना पूरा पैंदा है, एडेड विच भी करना पैंदा है। प्राइवेट वाले वर्क नू रिड्यूस करन दी कोशिश इसलिए करते हैं कि एडमिशन ते फीस तुहाडे को ज़्यादा चार्ज कर सकन, मतलब वो तुहानू लेथार्जिक बनाएंगे, लर्निंग डिसेबल बनाएंगे। ये गल मैं इत्थे करना चाहना हाँ, जिवें कई कॉपियां बनानियां हुंदियां हन, तुसी लैसन प्लान बनाने हुंदे हन, इस तरह के कई प्रैक्टिकल्स करने, ऑडियो विजुअल एड बनानी हुंदी है, तो उन्हां दे विच जिहड़ा है मतलब तुसी हुण समझ सकते हो। अच्छा, मार्क्स क्योंकि मिनिमम 20-30% जिहड़ी है वो इंटरनल असैसमेंट हुंदी है। ठीक है, पेपर टू पेपर वेरी करेगी। सो वो इंटरनल असैसमेंट चो प्राइवेट वाले मार्क्स ज़्यादा लाते हैं। ये यूनिवर्सिटी के किसी नुमाइंदे ने आके कहा सी जिहड़े इंटरनल असैसमेंट सी कि मतलब चलो इन्ने नंबर दसने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज विच तुहानू जिहड़ा जिन्ने डिजर्व करता है, इत्थे गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल ठीक ने कि जिहड़ा जिन्ना डिजर्व करता है, जिन्नी मेहनत करता है, जिन्नी आउटपुट दिंदा है, उन्ने मार्क्स उसके लगते हैं। एक्सट्रीम ते मार्क्स नहीं लगते प्राइवेट कॉलेजों में, उसनूं तां इसलिए चक्किया जाता है क्योंकि एडमिशन हो जाए सानूं, मतलब कि विगाड़न विच इंडियन एजुकेशन सिस्टम, टीचर एजुकेशन नूं विगाड़न विच ये सब तो वड्डा रोल है कि जो बिना मेहनत के मार्क्स लग जाते हैं। अच्छा, एडेड विच मिक्स मिल सकता है, डिपेंड करता है टीचर प्रिंसिपल कल्चर उत्थे दा है ना, हो सकता है। हुण तुहाडे जिहड़ा क्वेश्चन जिहड़ा पुछिया गया सी गवर्नमेंट जॉब, देखो गवर्नमेंट जॉब लई एक हाँ इन्हां मार्क्स विच मैं गल दस देवां, किसे अपने यूनिवर्सिटी की मैरिट लिस्ट विच ये देखो कि किन्नी वार गवर्नमेंट कॉलेजों का है ना क्यों गेन कर जाते ये बच्चे, क्योंकि इन्हां ते कई कॉलेज जिहड़े क्वालिटी वाले, ये क्वालिटी वाले प्राइवेट अच्छे वाले कॉलेज है ना, ये प्राइवेट जिहड़े वीक है, नैगेटिव है,
ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟੌਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਰਿਟ ਬਣੀ ਹੈ 2015-2022 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਜਾਂ PSAT ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ NCTE ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਫੀਲੇਟਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਇਹ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਅਲ ਵੇਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਏਡਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਲਰਨ ਟੂ ਐਕਚੁਲਾਈਜ਼